Hello students, good morning, welcome to SS Classes, students, we were reading chapter 5, a real center clause of our English literature book as we asked students in our last video, our topic was question answer, so students included this topic question answer, we have read and solved exercise B, answer these questions which are page number 40 in our English literature notebook in our last video. And, students, today's our topic is also same because today we are going to continue this topic, question answer. So, students, including this topic, question answer, today we will read and solve exercise C. Answer these questions with reference to the contest, which will be number 40 in our Fire English Literature Notebook. Okay. So, all students, please, please please partial this class and listen to my words clearly because today we are going to read and solve exercise C. Answer these questions with reference to the contest, which will be number 40 in our Fire English Literature Notebook. Okay. So, all students, let's exercise C. Students, the name of this chapter 5 is Real Santa Claus. i mean, a Real means past

एक्सरसाइज सी ऑफ फाइव इज आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट आंसर मीस उत्तर डिस इन क्वेश्चन मीस प्रश्नों विद मीस साथ में रेफरेंस मीस संदर्भ टू द कॉन्टेस्ट इट्स मीन प्रश्न के लिए ओके कॉन्टेक्स मिनटेंस होता है प्रश्न रिफरेंस मीस संदर्भ ओके स्टेंट्स ऑफ एक्सरसाइज सी इज आंसर डीज क्वेश्चन विद रिफरेंस टू द कॉन्टेस्ट इट्स मिन प्रशन के लिए संदर्भ के साथ इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए ओके सो स्टेंट्स इन दिस एक्सरसाइज सी अवर वर्क इज हम वर्क है स्ट्रेंड्स इस एक्सरसाइसी में टू कॉन्टेक्ट दिए हुए ओके okay. दो प्रसंग दिए हुए हमें क्या करने जो कॉन्टेस्ट दिए ना जो प्रसंग दिए तो इन कॉन्टेक्स के लिए हमें रिफ़रेंस के साथ क्वेश्चन के आंसर देने ओके okay. इन प्रसंग के लिए हमें संदर्भ के साथ दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने ओके स्ट्रेंड लेट्सी फर्स्ट नंबर गिविन कॉन्टेस्ट ऑफ दिस एक्सरसाइजी ऑफ चैप्टर फाइव स्ट्रेंड्स ऑफ फर्स्ट नंबर कॉन्टेस्ट इज देयनी इन द टाउन यू हैव नेवर ट्रेवल्ड आउन ओके देयर्स आर चिमनी इट्स मीन वहाँ एक चिमनी है इन मिस मी दाउन मिस सिटी कस्बा ओके या शहर बोल सकते हैं देयर्स आर चिमनी इन द टाउन इट्स मीन की कस्बे में वहाँ एक चिमनी है वीकेंडो दैट की शहर में एक चिमनी है ओके okay. वहाँ शहर में एक चिमनी है यू हैव नेवर ट्रेवल टाउन ओके यू मिस आप हैव नीन कभी भी यात्रा नहीं की है ओके ट्रैवल इट्स अ थर्ड फॉर्म ऑफ ट्रैवल ट्रैवल मिस यात्रा करना ट्रैवल इट्स मीन यात्रा की ओके okay. यू हैव हैव नावर ट्रेवल डाउन इट्स मीन की आपने कभी नीचे की यात्रा नहीं की है ओके स्टैंड द मीन ऑफ दिस फर्स्ट नंबर गिवेन कॉन्टेक्ट दियर आर चिमनी इन द टाउन यू हैव नवर ट्रेवल डाउन इज की वहाँ सैर में एक चिमनी है आपने कभी नीचे की यात्रा नहीं की है ओके सो स्ट्रेंड्स योर फर्स्ट नंबर गिवेन क्वेश्चन इज हू हैज़ बीन रिफर्ड टू एज यू इन दीज लाइंड ओके हुस कॉन हैज बीन रिफर्ड इट्स मीन संदर्भित किया जा रहा है टू एज इट्स मीन की तरह यू मीस आप इन डीज लाइंड इट्स मीन इन पंक्तियों में ओके तो स्ट्रेंड्स ये जो लाइन्स हैं ना देअर्स आर चिमनी इन दट टाउन यू हैव नावर ट्रेवल डाउन ओके कि सैर में एक वहाँ पे सैर में एक चिमनी है आपने नीचे कभी यात्रा नहीं किया तो स्ट्रेंड्स ये जो फर्स्ट नंबर कॉन्टेस्ट है ना इस फर्स्ट नंबर कॉन्टेस्ट की जो सेकेंड नंबर लाइन है यू हैव नेवर ट्रैवल डाउन आपने कभी नीचे की यात्रा नहीं की इस लाइन में स्ट्रेंड्स ये जो यू है ना ये किसको ये किसके लिए रिफर किया जा रहा है किसको संदर्भित कर रहे हैं ओके तो स्ट्रेंड्स ए नंबर क्वेश्चन इज़ हु हैज़ बीन रिफर्ड टू एज यू इन दिस लाइंड इट्स मीन की इन पंक्तियों में यू इट्स मीन आप आ, किसको संदर्भित कर रहे हैं ओके और वी गन्सारो दैट कि इन पंक्तियों में यू इट्स मीन आप आ, किसको संदर्भित कर रहा है ओके सो श्रेंड्स योर ये नंबर आंसर इज क्लॉस हैज़ बीन रिफर्ड टू एज यू इन डीज लाइन्स ओके तो क्लॉस इट्स मीन क्लॉस हैज़ बीन रिफर्ड इट्स मीन संदर्भित किया जा रहा है टू एज यू इट्स मीन यू की तरह आपकी तरह इन दीज लाइन्स इट्स मीन इन पंक्तियों में ओके okay. स्टूडेंट्स ए नंबर आ सर सेंटा क्लॉज हैज़ बिन रिफर टू एज यू इन दीज लाइन इट्स मीन इन पंक्तियों में सेंटा क्लॉस यू की तरह संदर्भित किया जा रहा है ओके तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन है ना नंबर लाइन यू हैव नेवर ट्रेवल्ड डाउन ओके तो फर्स्ट नंबर की ये जो सेकेंड नंबर लाइन है ना इस सेकेंड नंबर लाइन में जो यू एस ई सेंटा क्लॉस को रिफर कर रहे हैं ओके तो इन पंक्तियों तो 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 में तो 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 इन पंक्तियों में यू इट्स मीन आप सेंटा क्लॉस के लिए रिफर किया जा रहा है ओके इन पंक्तियों में यू इट्स मीन आप सेंटा क्लॉज को इट्स मीन की सांता क्लॉज को uh, संदर्भित कर रहे हैं क्लियर स्टूडेंट लेट्स क्वेश्चन नंबर बी स्ट्रेंट्स क्वेश्चन नंबर बी अ हाउस काइंडस दैट चिमनी बिलोंग टू ओके व्हाट काइंड इट्स मीन किस प्रकार ऑफ अ हाउस इट्स मीन कि एक हाउस का ओके वट ऑफ अ हाउस इट्स मीन एक हाउस किस प्रकार का है ओके डज इट्स प्रेजेंटेशन इज डिफ इन सेफॉर्म दैट मीन जो चिमनी मीस चिमनी बिलोंग टू तो, इट्स मीन संदर्भ uh, संबंधित ओके बिलोंग टू मीस होता है, okay, है संबंधित योर बी नंबर क्वेश्चन इज वट काइंड ऑफ अ हाउस डज दैट चिमनी बिलोंग टू इट्स मीन कि चिमनी किस तरह के घर से संबंधित है ओके सो स्ट्रेंड्स इज दिमनी बिलोंग्स टू एन इम्पटी एंड बेयर हाउस ओके ओके बिलोंग टू इट्स मीन संदर्भित है ओके संबंधित है ओके एन इम्पटी इट्स मीन एक खाली एंड बेयर हाउस ओके okay. स्ट्रेंड्स so, बेयर हाउस मीस होता है एक ऐसा हाउस जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ना रखो ना ए हो ना कूलर हो ओके okay, कोई भी uh, कोई भी अच्छा सामान आर्टिकल ना हो वहाँ पे ओके okay, उसे हम बोलते हैं बेयर कोई भी ऑब्जेक्ट अच्छा, कोई, अच्छा, कोई भी आर्टिकल सामान ना रखा उसे बोलते हैं बेर जो पूरी तरह से खाली ओके द चिमनी बिलोंग टू एन इम्पटी एंड बेयर हाउस इट्स मीन की चिमनी एक इम्पटी और एक बेयर हाउस से संबंधित है दैट चिमनी एक खाली ओके एक पूरी तरह से खाली घर से संबंधित है ओके लेट्स सी सी नंबर क्वेश्चन सी नंबर क्वेश्चन विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस Uh, first number contest of this exercise is

तो स्टूडेंट्स यू आर लिस्ट ओके श्रोता है हाउ डज द स्पीकर नो इट्स मीन की वक्ता कैसे जानता है डैट मीन्स की दी लिस्नर इट्स मीन सुनने वाला ओके हैज नेवर क्लाइंट डाउन इट्स मीन कि उसने कभी भी क्लाइंट डाउन नहीं किया इट्स मीन कभी भी नीचे नहीं आया ओके दैट चिमनी ओके इट्स मीन कि उस चिमनी पर ओके इस चिमनी होता है एक वर्टिकल ट्यूब होता है ओके जो स्मोक को इमिट करता है ओके okay. एक उत्पादन नली होती है चिमनी जो क्या करता है स्मोक को धुएं को बाहर उत्सर्जित करता है बाहर फेंकता है ओके okay. बाहर ले जाता है ओके मोस्टली किचन में यूज़ की जाती है चिमनी ओके okay. तो स्ट्रेंड्स चिमनी किचन में या फैक्ट्री वगैरह में यूज़ की जाती है हाउ डज द स्पीकर नो दैट द लिसनर हैज़ नेवर क्लाइम डाउन दैट चिमनी ओके इट्स मीन कि वक्ता कैसे जानता है कि श्रोता कभी भी आ, उस चिमनी नीचे नहीं आया है ओके okay, तो वक्ता कैसे जानता है कि श्रोता ओके okay, जो लिशनर है श्रोता है वो कभी भी आ, नीचे उस चिमनी पर नहीं आया सोन सीओ सी नंबर आंसर इज द स्पीकर नोज दिस बिकॉज दी वाइड दैट लिव्स इन द हाउस हैज़ नेवर रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम सेंटा क्रॉज ओके दि स्पीकर मीन्स वक्ता नोज मीन मीस जानता है दिस मींस या बिकॉज मीन्स क्योंकि दिस दिसर नोज दिस बिकॉज इट्स मीन कि वक्ता ये जानता है क्योंकि दि बर्मी लड़का ओके दैट लिवस जो रहता है इन द हाउस इट्स मीन घर में हैज़ नेवर रिसिव्ड इट्स मीन कभी भी इसने प्राप्त नहीं किया कभी भी रिसीव्ड नहीं किया ओके रिसीव्ड इट्स अ थर्ड फॉर्म ऑफ रिस रिसीव मीनस प्राप्त करने रिसिव्ड मीस प्राप्त किया है ओके अ गिफ्ट मीन्स एक उपहार फ्रॉम सेंटाक्लॉज इट मीन सेंटाक्लॉज ओके द स्पीकर नोज दिस बिकॉज द बॉय दैट लिवस इन दाउस हैज़ नेवर रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम सेंटाक्लॉज इट्स मीन की वक्ता यह जानता है क्योंकि जो लड़का उस घर में रहता है ना ओके इट्स मीन की वक्ता यह जानता है क्योंकि उस घर में रहने वाले लड़के ने कभी भी सेंटा क्लॉज से कभी भी एक उपहार प्राप्त नहीं किया। ओके okay, तो वक्ता यह जानता है क्योंकि लड़का जो उस घर में रहता है उसने कभी भी सेंटा क्लॉज से एक गिफ्ट एक उपहार प्राप्त नहीं किया है ओके तो स्टूडेंट्स इसलिए इस प्रकार से स्पीकर जानता है कि लिशना जो है जो श्रोता है वो कभी भी उस टिमी पर नीचे नहीं गया है क्योंकि उस जो हाउस था जो घर है जिसमें वो बॉय रहता है लड़का रहता है उसने कभी भी सेंटा क्लॉज से एक गिफ्ट रिसीव नहीं किया है ओके एक उपहार प्राप्त नहीं किया ओके तो वक्ता यह जानता है क्योंकि उस घर में रहने वाले लड़के ने कभी भी सेंटा क्लॉज से एक उपहार प्राप्त नहीं किया है ओके स्टूडेंट्स लेट्स सी सेकेंड नंबर कॉन्टेस्ट ऑफ़ दिस एक्सरसाइज सी स्ट्रेंट्स सेकेंड नंबर कॉन्टेस्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज सी इज ड्रीमिंग ऑफ द पी टी टॉयस विच यू ब्रिंग टू अदर बॉयज ओके ड्रीमिंग इट्स मीन सपनी देख रहा है ऑफ द पी टी टॉयस इट्स मीन सुंदर खिलौने का पीटी मीस ओद ब्यूटीफुल सुंदर टॉयस मीनस खिलौनी ड्रीमिंग ऑफ द पी टॉयस इट्स मीन सुंदर खिलौने की सपनी देख रहा है विच मीनस जो यू मीनस आप ब्रिंग मीस लाते टू अदर बॉयज इट्स मीन दूसरे लड़कों के लिए ओके ड्रीमिंग ऑफ द प्लीटी ट आयस विच यू ब्रिंग टू अदर बॉयज ओके इट्स मीन सुंदर खिलौने के सपने देख रहा है जो आप दूसरे सुंदर खिलौने के सपने देख रहा है जो आप दूसरों दूसरे लड़कों के लिए लेके आते ओके okay. सुंदर खिलौनों के सपने देख रहा है जो आप Uh, दूसरी लड़कों के लिए लाते हैं क्लियर स्ट्रेंड्स लेट्स सी ए नंबर क्वेश्चन ऑफ दिस सेकंड नंबर कॉन्टेस्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एक्सेस ए नंबर क्वेश्चन ऑफ दिस कॉन्टेस्ट इज हु इज ड्रीमिंग ऑफ प्री टी टॉर्स हु मीन्स कॉन्ट मीस ए ड्रीमिंग मीस सपने देख रहा है हु सॉरी ऑफ प्री टी टॉर्स इट्स मीस सुंदर खिलौने के ओके हु इज ड्रीमिंग ऑफ प्री टी टॉस इट मीन पी टी टॉर्स का ड्रीमिंग कौन कर करे ओके इट्स मीन्स सुंदर खिलौनों के सपने कौन देख रहा है सो स्ट्रेंड्स यो ए नंबर आंसर इज द लिटिल बॉय ऑन द ब्रोकन बार्ड इज ड्रीमिंग ऑफ पी टी टॉर्स ओके दी लिटिल बॉय इट्स मीन छोटा लड़का ओके ऑन दी ब्रोकेन बैट इट्स मीन टूटे हुए बैट पर टूटे हुए बिस्तर पर इज ड्रीमिंग इट्स मीन सपना देख रहा है ऑफ प्रीटी ट्वीट इट्स सुंदर खिलौने का ओके स्ट्रेंड्स योर इनम आंसर इज द लिटिल बॉय ऑन दी ब्रोके बैट इज ड्रीमिंग ऑफ प्रीटी ट्वस इट्स मीन की टूटे हुए बैट पर ऑरविक टूटे हुए बिस्तर पर एक लड़का सुंदर खिलौने के सपने देख रहा है ओके तो स्ट्रेंड्स योर इनम आंसर इज टूटे बैट परूटे बिस्तर पर एक लड़का सुंदर खिलौनों के सपने देख रहा है क्लियर नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऑफ बी नंबर व्हाट इज द ऑशियशन फॉर ब्रिगिंग दिस टॉयज ओके तो स्टूडेंट्स स्ट्रेंड्स वीन्स क्या इच्छ मीनसेशन दिन दैट ऑप्शन मौका फेस्टिवल ओके फॉर ब्रिंगिंग इट्स मीन लाने के लिए दिस टॉयज इट्स मीन इन खिलौनों को ओके व्हाट इज द ऑशियशन फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉयज इट्स मीन कि ये वी कैन से दैट कि खिलौन ये खिलौने लाने के लिए क्या अवसर है ओके okay. इन खिलौनों को लाने के लिए क्या अवसर है क्या फेस्टिवल है okay. ओके कौन सा फेस्टिवल है इन खिलौनों को लाने के लिए ओके yeah. okay. क्या अवसर है क्वेश्चन सो बी नंबर आंसर इज क्रिसमस इज द ऑशियशन फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉयस ओके तो क्रिसमस मिस क्रिसमस इट मीनस है देशन इट्स मीन अवसर मौका फेस्टिवल त्यौहार ओके फॉर मीस के लिए ब्रिंगिंग मीस लाने के लिए दिस मीस ये टॉयस मीस खिलौने ओके क्रिसमस इज द ओशियशन फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉयस इट्स मीन कि इन खिलौनों को लाने के लिए Uh, जो अफसर है वो क्रिसमस है ओके okay. क्रिसमस इन खिलौनों को लाने के लिए अफसर है ओके okay. तो इन खिलौनों को लाने के लिए क्रिसमस अफसर है त्यौहार है क्लियर इसमें लेट सी सी नंबर क्वेश्चन विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेकंड नंबर कॉन्टेस्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज ही ओके एंड स्टूडेंट्स लेट्स सी क्वेश्चन स्टूडेंट्स और सिनेमा क्वेश्चन इज वाई डू अदर बॉयज गेट दी टॉयज व्हाट इज स्टॉपिंग दिस बॉय फ्रॉम गेटिंग दम ओके तो वाई मींस यू डू इट्स योट प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब इफिन वफॉर्म अदर बॉयज इट्स मीन दूसरे लड़के गेट इट्स मीन प्राप्त करते लेते हैं दि टॉयज मींस खिलौने ओके वाई डू अदर बॉयज गेट दि टॉयज इट्स मीन कि दूसरे लड़के खिलौने क्यों प्राप्त करते दूसरे लड़के खिलौने क्यों लेते ओके वट इज स्टॉपिंग ओके तो क्या रोक रहा है ओके दिस इट्स लड़की को ओके फ्रॉम मी से गार्टिंग दम उन्हें लेने के लिए ओके वाई डू अदर बॉयज मीन की दूसरे लड़के खिलौने क्यों लेते हैं ओके एंड वट इज स्टॉपिंग दिस बॉय फ्रॉम गाटिंग दम और इस लड़के को कौन रोक रहा है उन्हें लेने के लिए ओके इट्स मीन य मीन ऑफ दिस सी नंबर क्वेश्चन दैट कि दूसरे लड़के खिलौने क्यों लेते हैं और इस लड़के को कौन रोक रहा है खिलौनों को लेने के लिए ओके सो स्ट्रेंड्स यूर सीनेमा आंसर इज दी अदर बॉयज गैट द टॉयज बिकॉज दे हैव अ रिच फैमिली ओके लैक ऑफ मनी पॉवर्टी इट इज स्टॉपिंग दिस बॉय फ्रॉम गैटिंग दैम ओके आर वी यूज दैम फॉर टॉयज टॉयज के लिए हमने यहाँ पे डैम का यूज़ किया हुआ है दी अदर बॉयज इट्स मीन दूसरे लड़के ओके गैट इट्स मीन रिसीव करते प्राप्त करते लेते हैं ओके द टॉयज मीनस खिलौने ओके दी अदर बॉयज गैट द टॉयज इट्स मीन कि दूसरे लड़के खिलौने प्राप्त करते हैं बिकॉज मीन्स क्योंकि दे हैव अ रिच फैमिली ओके okay, क्योंकि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते ओके इट्स मीन वो एक अमीर परिवार से संबंधित है उनके पास एक रिच फैमिली है एक अमीर परिवार एक समृद्ध परिवार है ओके तो फ्रेंड्स योर सिनेमा सर इज़ दे अदर बॉयज़ कैट बिकॉज दे हैव अ रिच फैमिली इट्स मीन कि दूसरे लड़के या अन्य लड़के खिलौने लेते हैं ओके okay, खिलौने प्राप्त करते हैं क्योंकि वे उनके पास एक समृद्ध परिवार एक अमीर परिवार है okay, ओके लैक ऑफ मनी ओके इट्स मीन पैसों की कमी लैक मीन्स होता है कमी ओके मनी मीन्स पैसे या धन ओके लैक ऑफ मनी इट्स मीन पैसों की कमी या धन की कमी ओके या पॉवर्टी पॉवर्टी मींस इस्टेंट्स होता है गरीबी निर्धनता ओके इट्स मीन्स है टॉपिक मीन्स रोक रही है दिस बार इट्स मीस इस लड़के को फ्रॉम मीन्स ये गैटिंग दम इट्स मीन उन्हें प्राप्त करने के लिए स्टैंड मीन ऑफ गैटिंग दम दैट खिलौनों को प्राप्त करने के लिए ओके सो स्टैंड लैक ऑफ मनी ऑब्लिक प्रॉवर्टी इज स्टॉपिंग दिस बाय फ्रॉम गैटिंग दैम इट्स मीन की पैसों की कमी और वे हिसाब से डेट धन की कमी या गरीबी या निर्धनता इस लड़के को उन्हें लेने के लिए रोक रही है उन खिलौनों को प्राप्त करने के लिए रोक रही है ओके सो सी नंबर आंसर इज ददर अदरवाइज गैट दि टॉयज बिकॉज दे हैव अ रिच फैमिली लैक ऑफ मनी ऑब्लिक पॉवर्टी इट इज स्टॉपिंग दिस बॉय गैटिंग फ्रॉम गैटिंग डम ओके इट्स मीन की अन्य लड़कों अन्य लड़के या दूसरे लड़के खिलौ दूसरे लड़के खिलौने प्राप्त कर रहे हैं ओके कैन से दैट अन्य लड़के या दूसरी लड़के खिलौने प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक समृद्ध परिवार है या उनके पास एक अमीर परिवार है ओके और पैसों की कमी या धन की कमी या निर्धनता या गरीबी इस लड़के को उन्हें प्राप्त करने के लिए रोक रही है ओके okay? ये जो पैसों की कमी है धन की कमी है जो निर्धनता या गरीबी है ये इस लड़के को खिलौनों को लेने के लिए रोक रही है क्लियर सो स्ट्रेंट वी हैव रीड एंड सॉ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर फाइव इन अपर फायर इंग्लिश रडेटर नोटबुक एंड एंडस्टेंट आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज यू हैव नो प्रॉब्लम इन एनी आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर फाइव ओके सोस्टेंट्स टूडेस योर क्लास वर्क इज दैट नोट डॉन एक्सरसाइज आंसर दिस कॉशन विद रिफ्रेंस टू द कंटेस्ट ऑफ दिस चैप्टर फाइ इन योर फायर इंग्लिस रिडेट नोटबुक विद विद्ड अंड राइटिंग It's a today's classwork. And students, so homework is that learn exercise of the chapter 5 from your fair English literature notebook. And students, I hope you have no problem for learning work because students, I have explained this exercise of this chapter 5. Okay. So, all students, firstly complete your classwork. Complete exercise answer these questions with reference to the contest of this chapter 5 in your fair English literature notebook with your best handwriting and send me a work here. Thank you.